वेलकम टू study.com ऑन YouTube चैनल माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर यानी 2017 के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। इसके पिछले वीडियो में बीएड के 2017 का ही आपका फर्स्ट पेपर बता दिया गया है और इसके भी पिछले वीडियो में आपके 2018 के सभी क्वेश्चन पेपर यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बता दिए गए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2017 सेकंड पेपर है आपका, यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। कहने का मतलब है शिक्षा और अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से हिंदी में कहेंगे। तो इसमें आगे देखेंगे, टाइम आपका 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क आपका 80 मार्क का है। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। आंसर 5 questions इन ऑल क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, बिसाइड्स दिस 1 question इज टू बी अटेम्प्ट फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, आप देख लीजिए इसे। इसमें दिया है आगे कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न किया जाना है। यानी इसमें दिया है फर्स्ट में देख लीजिए, राइट ईच वन ऑफ फॉलोइंग विद इन 100 वर्ड्स, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक पद 100 शब्दों में लिखिए। यानी ये आपका फर्स्ट पार्ट है। 4 × 8 = 32 मार्क का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए देखेंगे, डिफाइन डेवलपमेंट, विकास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन बी है आपका, क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी है आपका, मेंशन द रोल ऑफ अ टीचर इन मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम, कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता प्रबंधन हेतु शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये आपको एक्सप्लेन करना। डी देखेंगे, डिफरेंटिएट बिटवीन एसआर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज, एसआर और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के मध्य अंतर कीजिए। क्वेश्चन नंबर ई है आपका, मेंशन गेगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग, गेगने के अधिगम के पदक्रम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे, डिफरेंटिएट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धि और सृजनात्मकता में अंतर कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी आपका, डिस्क्राइब हेरिडिटी एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में वंशानुक्रम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे, मेंशन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके पार्ट 1 को लेकर के, जिसमें 1 to 8 questions थे और ईच क्वेश्चन 4 mark का था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी यूनिट वाइज से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यूनिट फर्स्ट में दिया है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड इन डिटेल। कहने का मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियां क्या है, किसी एक विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड विथ एग्जाम्पल, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं को किस उदाहरण व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई आपकी यूनिट फर्स्ट को लेकर के, यानी ये यूनिट जो है आपकी 12 मार्क की है ईच क्वेश्चन में से। तो आप चॉइस वाला है, इसमें से आपको जो अच्छे से आते हैं आप वही अटेंड करें। ओके, आगे देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 में 4 questions है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिस्क्राइब द सेलियंट फ्यूचर ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ब्रूनर के अधिगम के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी यूनिट 2 हो गई, जिसमें 4 और 5 questions थे। आगे देखेंगे यूनिट 3, तो ये है आपकी यूनिट 3 यानी थर्ड, इसमें 6 questions है, डिस्क्राइब स्पीयरमैन्स 2-factor थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, स्पीयरमैन के बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का उसके शैक्षिक निहितार्थ सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिफाइन क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ फास्टरिंग क्रिएटिविटी विद सुटेबल एग्जांपल,
कहने का मतलब है सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के पोषण हेतु किसी एक विधि की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है और यूनिट 3 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आपको जो भी दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से आप वही एक्सप्लेन करें। चलिए देखते हैं यूनिट 4। फोर्थ यूनिट में 8 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब टाइप अप्रोच टू पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व के प्रकार उपागम का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन एनी 4 डिफेंस मैकेनिज्म्स विथ एग्जांपल्स। ठीक है, रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 4 रक्षा युक्तियों की सो धारण व्याख्या कीजिए। ठीक है, सो धारण व्याख्या करने से आपको ये हो गया आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से आप चॉइस करके जो भी आपको अच्छे से आए वही अटेंड करें। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लीजिए और अपनी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।